हमने लगभग 1 साल पहले बात की थी कि किस तरीके से एक मिल्क का एग्रीमेंट हो रहा है, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत होगा, जिसमें भारत में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से दूध और दूध का पाउडर आएगा और वो यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत बेचा जाएगा। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP का ये समझौता था, जिसमें वो अपने डेयरी प्रोडक्ट्स भारत में डंप कर रहे थे और वो बिना टैक्स के आता और उस से वो यहाँ पर सस्ता बेचा जाता। मतलब यहाँ का किसान अपने पशु से जो दूध आपको दे रहा है उस पर टैक्स लगता, और बाहर से जो पाउडर जो जहर आ रहा है उस पर टैक्स नहीं लगता, और वो अभी तक आपके घरों में पहुंच जाता। वो आ भी रहा है और एग्रीमेंट के तहत आ रहा है, लेकिन रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट RCEP के तहत भी और ज्यादा आने लग जाता। तो इस RCEP के समझौते पर तो हस्ताक्षर नहीं हुए, इस पर साइन नहीं हुए और ये एग्रीमेंट नहीं हो पाया, और अभी वो पेंडिंग है कुछ समय के लिए, देखते हैं वो कब साइन होगा। हमने इस पर बात की थी कि किस तरीके से किसानों को बर्बाद करेगा, लेकिन पिछले लगभग 1 साल से ही बात चल रही है भारत की और इंग्लैंड की, यूनाइटेड किंगडम की, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर। अभी हाल ही में भारत के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री रविशंकर ने ऋषि सुनक से बात की है, जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, और कुछ हद तक शर्तें तय की गई हैं कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और इस देश इंग्लैंड के बीच में होगा, जिसके तहत काफी सामान जो है इंग्लैंड से आएगा। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब हम बात करते हैं तो काफी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है, जैसे कि देश की GDP बढ़ेगी, देश में पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा, रिश्ते अच्छे होंगे। लेकिन जो चीजें सरकार या किसी भी देश की सरकार हमें नहीं बताती, वो चीजें हमें जान लेना चाहिए। जैसे RCEP एग्रीमेंट के तहत जो डेयरी प्रोडक्ट्स भारत आते हैं उन पर टैक्स नहीं लगता और वो सस्ते बिकते और लोग वो जहर सस्ता लेते, देश का किसान बर्बाद होता। ठीक उसी तरीके से और भी सेक्टर और भी क्षेत्र बर्बाद होते हैं जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत कोई भी प्रोडक्ट देश में आता है बिना टैक्स के। अगर आप अपने देश में कोई भी चीज बना रहे हैं उस पर टैक्स लग रहा है और उसे जब मार्केट में बेचने जाएंगे या आप बाहर बेचते हैं तो उस पर टैक्स लगता है, वो चीज महंगी होती है। आप अपने ही देश में महंगा सामान बेच रहे हैं, दूसरे देश से सामान सस्ता आ रहा है, तो जो मार्केट है, जो लोग हैं, वो कौन सा सामान खरीदेंगे? ये तय है कि वो लोग सस्ता सामान खरीदेंगे, बेशक से वो जहर ही क्यों ना हो, क्योंकि एडवर्टाइज इतने अच्छे से कर दिया जाता है और उसकी मार्केटिंग इतने अच्छे से की जाती है कि आपको पता ही नहीं लग पाता, और बाहरी कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हमारे देश में आकर वो सामान बेचती हैं, और एक बार पैसा लगाकर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह वो फिर हजारों लाखों करोड़ों रुपए देश से बाहर लेकर जाती है, भारत का वो क्षेत्र बर्बाद होता है। यहाँ पर एक और बात बाहर निकल कर आती है कि हम अक्सर इस वहम में जी रहे हैं कि इससे सिर्फ किसान बर्बाद हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो, फैशन इंडस्ट्री हो, क्लोथ इंडस्ट्री हो, शू इंडस्ट्री हो, हर कोई इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है, क्योंकि इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत हर चीज बाहर से आती है और इन्हीं के ऊपर शर्तें तय की जाती है। जैसे कि भारत और इंग्लैंड के इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बीच में जो चीज अभी अटक रही है वो ये है कि भारत की लेबर फोर्स यहाँ से इंग्लैंड जाएगी तो इंग्लैंड के लोगों को काम नहीं मिलेगा। अब इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में है, तो कंजर्वेटिव पार्टी की सबसे पहली चीज ये है कि वो किस तरीके से 2025 में दोबारा इलेक्शन जीते। तो अगर वो इस एग्रीमेंट को साइन कर देती है तो भारत की जो लेबर है, भारत के जो लोग हैं, वो इंग्लैंड में काम करने के लिए जाएंगे और वहां पर सस्ती लेबर की तरह वो काम करेंगे, इंग्लैंड के लोगों को काम नहीं मिलेगा, वहां पर बेरोजगारी बढ़ेगी। तो अभी जो प्राथमिकता है वो इंग्लैंड की सरकार की ये है। ठीक उसी तरीके से भारत के लिए भी ये चिंताजनक है। भारत ने RCEP एग्रीमेंट इसीलिए साइन नहीं किया था क्योंकि भारत का किसान उस समय बर्बाद हो रहा था, आज भी वो बर्बाद हो रहा है, लेकिन अभी कुछ शर्तें हैं जिनको भारत को भी मनवानी है, तो इसीलिए वो अटक रहा है, वो एग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं हुआ है। लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी साइन होने की कगार पर है और ये कभी भी जो है साइन हो सकता है, आज नहीं तो 2 महीने बाद ये साइन होगा, RCEP भी साइन होगा। लेकिन हमें ये समझना होगा कि एग्रीमेंट, MOUs जो दो देशों के बीच में होते हैं फ्री ट्रेड को लेकर, ये किसी ना किसी मजबूरी को लेकर होते हैं, देशों को अपने राजनीतिक संबंध बनाने होते हैं ताकि वहां के सेक्टर बर्बाद हों, चाहे वो कोई भी देश हो। अब उससे होता क्या है?
उससे जो सरकार है, जैसे कि भारत देश में किसान बर्बाद हो रहा है या और भी सेक्टर बर्बाद हो रहे हैं, आज इसी का एक फॉर्म है। जैसे कि आज कोई कपड़े की दुकान है आपके पड़ोस में, जो मेडिकल स्टोर है, या फिर कोई भी एक छोटी मोटी किरियाने की दुकान है, वो भी बर्बाद हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम के तहत, ऑनलाइन जो है इतनी चीजें आ गई हैं उनकी वजह से। ये एक MOU के तहत आई थी, बाहर की कंपनियां या अमेजोन लगा लीजिए, कोई भी चीज लगा लीजिए, ये भारत सरकार के साथ एक MOU साइन किया था और ये ऑनलाइन आज सामान बेच रही हैं। आज ये दाल, चावल, चीनी, जूते, कपड़े जो भी कुछ बेच रही हैं, एक MOU के तहत बेच रही है, एक एग्रीमेंट के तहत बेच रही है। आपके पड़ोस में जो किरियाने की दुकान वाला है, जो भी मोबाइल शॉप वाला है, वो आज बर्बाद हो रहा है धीरे धीरे। और इस पर जो हमारी कॉमर्स इंडस्ट्री है वो भी चिंताजनक जो है चिंता व्यक्त कर चुकी है, लेकिन इससे अभी कोई फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी भी आदत बना दी गई है। हम मार्केट जाते हैं, वापस आते हैं, फोन पर बेड पर पड़े पड़े जो हम ऑनलाइन हम ऑर्डर कर देते हैं वो घर आ जाता है। अब आप ये कहेंगे कि ये समय के साथ बदलाव है जो आएगा ही आएगा, ये ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि हम कब तक अपनी बर्बादी का मंजर यूं ही देखते रहेंगे। ठीक, हम किसानी नहीं करते, किसान बर्बाद हो गया तो आप ये कहेंगे आपको फर्क नहीं पड़ता, हालांकि फर्क पड़ता है, लेकिन आप अभी उसे समझ नहीं रहे। आपके किरियाने वाला, पड़ोस में किरियाने वाला अगर बर्बाद होता है तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक बार वो सेक्टर भी बर्बाद होगा जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। आपकी नौकरी भी कभी ना कभी इसी तरीके से खाई जाएगी जिस तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत जिस दिन वो उत्पाद भारत आ गया, जिस उत्पाद में आप काम कर रहे हैं, जिस उत्पाद की कंपनी में आप काम कर रहे हैं। तो सवाल ये है, समाज को बदलना है, सरकारों के नियम उसके जल्दी बदल सकते हैं, लेकिन अब एक और सवाल उठता है कि क्या हम समाज को बदलने के लिए खुद बदलना पसंद करते हैं या खुद अपने अंदर कोई बदलाव लाना चाहते हैं। असली सवाल यही है, और यकीन मानिए जब हम ये बदलाव लेकर आएंगे कि कम से कम मैं तो बदलूं तो समाज अपने आप बदल जाएगा। शुरुआत आप कर सकते हैं। आपकी इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।